पंजाब के अमृतसर में स्थित गुरु नानक अस्पताल में आग लगने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पीछे ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी के कारण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में मरीजों के बीच चीख पुकार मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकल की टीम आग बुझाने का काम कर रही है। आग लगने की सूचना पर अस्पताल में कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह पहुंचे और दमकल की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार पहले अस्पताल के पीछे एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, उसके बाद दूसरे में और फिर ये आग बढ़ने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। अस्पताल में आग लगी देख मरीजों के बीच चीख पुकार मच गई। अस्पताल में अफरातफरी का माहौल बन गया। मरीज अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। मरीज सड़क की तरफ भागते नजर आए। मरीजों का कहना है कि इतनी भीषण आग में उनकी किसी ने मदद नहीं की, वो खुद ही अस्पताल से किसी तरह बच कर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।